ऑल डील विद मेंस्ट्रुएशन, बट क्या आपको पता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट? मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। इफ यू आर प्रेग्नेंट तो आपके हॉर्मोन्स यूट्रस को सिग्नल भेजते हैं टू शेड इट्स लाइनिंग। दिस बिकम्स योर पीरियड। जब एक बार आपके पीरियड स्टार्ट हो जाए, दिस साइकिल स्टार्ट्स अगेन। हाय, माय नेम इज निमिषा एंड टुडे आई शैल शेयर विद यू द फोर फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेट्स गेट इनटू इट। मेंस्ट्रुएशन को कॉमनली पीरियड्स कहते हैं। जब आप मेंस्ट्रुएट करते हैं तब आपकी यूट्रस लाइनिन आपकी वजाइना से फ्लो होकर निकल जाती है। आपके पीरियड्स में ब्लड, म्यूकस और कुछ सेल्स होते हैं। पीरियड्स 3 से 7 दिन तक लास्ट करते हैं। इस दौरान आप ज्यादा इमोशनल और क्रैंकी फील करते हैं। आपकी एनर्जी कम होती है एंड द बॉडी मे फील सेंसिटिव एंड वीक। मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स जैसे बैकएक्स, ब्लोटिंग और क्रैम्प्स तो होते हैं ही, लेकिन लो लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ब्लड शुगर लेवल्स कम करते हैं, जिससे शुगर क्रेविंग होती है। फॉलिकुलर फेज हमारे पीरियड्स के फर्स्ट दिन पर स्टार्ट हो जाता है और लगभग 13 से 14 दिन तक चलता है, एंडिंग इन ओव्यूलेशन। ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड इस दौरान एक हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन ओवरी के सरफेस पर फॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन स्टिमुलेट करता है। यूजुअली एक फॉलिक्यूल ही मैच्योर होकर एग बनता है। दिस कैन हैपन फ्रॉम द डे 10th ऑफ योर साइकिल। इस फेज के दौरान यूट्रस लाइनिन थिक हो जाती है, आपका ईस्ट्रोजन काफी बढ़ जाता है और आप ज्यादा एनर्जेटिक और क्रिएटिव फील करते हैं। इस फेज में आपकी डाइट में फ्रेश और लाइट फ्रूट्स होने चाहिए। देन वी हैव द ओव्यूलेशन स्टेज, जिसमें यू आर एक्स्ट्रा फर्टाइल। ओव्यूलेशन तब होता है जब एक मच्योर एग ओवरी से रिलीज होकर यूट्रस की तरफ जाता है। ये फेलोपियन ट्यूब के थ्रू होता है। ये हर महीने एक बार होता है, 2 weeks बिफोर योर पीरियड्स। ओव्यूलेशन 16 to 32 hours के लिए लास्ट करता है। इन 3 दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस हाईएस्ट होते हैं। इस फेज में मोस्ट पीपल आर बस्टिंग विद एनर्जी। आपका करिश्मा एक ऑल टाइम हाई पर होता है और आप अपने अपीयरेंस पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं। हाई सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और लिबिडो टिपिकली इसी फेज में एक्सपीरियंस करा जाता है। ओव्यूलेशन के बाद बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाती है। ओवरीज में प्रेजेंट सेल कॉर्पस ल्यूटम, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। इससे यूट्रस की लाइनिन थिक हो जाती है। अगर लाइनिन में फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांटेड होता है तो कॉर्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना कंटिन्यू रखता है। दिस मेंटेन्स द थिकेंड लाइनिन ऑफ द यूट्रस। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटम मर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, यूट्रस लाइनिन शेड कर देता है और पीरियड्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। Alright, that's it for today's video. Please share your thoughts in the comment section below. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. And I shall see you in the next one. Bye!